नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आने वाला लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ग्रुप लोकसभा चुनाव लड़ने की अलग अलग बात कर रहे हैं। वहीं इंडिया अलायंस पर बीजेपी के संगठन महामंत्री ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत है, जिससे इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं डरा सहमा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि डर की वजह से इंडिया अलायंस ग्रुप बनाया गया है और हमेशा ये सभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आए। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनके टिकट बंटवारे पर एक बार फिर से गतिरोध और मतभेद देखने को मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ रही है और सरकार का प्रयास जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देश के विकास में लगी हुई हैं। जनता की भावनाओं के अनुरूप, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार दोनों सरकारें हमारी काम कर रही हैं और विकास कार्य में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इससे घबरा करके जो विभिन्न विचारों के लोग हैं, विभिन्न सोच के लोग हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के भय से एकत्र हुए हैं। जो INDIA का इन्होंने एक अलायंस बनाया है, वो अलायंस केवल भय के कारण पैदा हुआ है, क्योंकि हमेशा जितने भी ये दल आपस में मिले हैं, ये आज तक हमेशा आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए आए हैं। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी भले ही भय के कारण ये इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे में, चुनाव के वक्त में बार बार इनके आपस में जो मतभेद हैं, जो इनके बीच की लड़ाई है, वो बार बार सामने देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से देश के विकास में लगी हुई है, प्रदेश के विकास में लगी हुई है। इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी MOU हुए हैं, उन्हें इन्वेस्टर समिट से पहले धरातल पर उतारा जाएगा। बता दें कि दुबई और लंदन में CM ने लगभग 15,000 करोड़ के आसपास के MOU विभिन्न कंपनियों के साथ साइन किए, जिसमें लंदन और दुबई की कंपनियां शामिल हैं। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहाड़ों में अगर इंडस्ट्री दिखाई देती है तो बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। निश्चित रूप से ये अच्छी बात होगी, लेकिन 2018 में भी सरकार ने जनता से कुछ ऐसा ही वादा किया। इसको लेकर पूरे प्रदेश में होर्डिंग भी लगाई गई। वहीं बता दें आपको कि कुछ नहीं हुआ, दिसंबर से पहले निवेश धरातल पर दिखाई देगा और इसका विश्वास कैसे किया जा सकता है, आज ये भी बेरोजगार रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि जो भी MOU इन्वेस्टर मीट के नाम पर हो रहे हैं, वो जो है दिसंबर से पहले अगर उनको धरातल पर उतार देते हैं और पहाड़ों में अगर इंडस्ट्री दिखाई देती है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता हुआ दिखाई देता है, तो निश्चित तौर पर ये खुशी की बात होगी। लेकिन इस पर भरोसा हम कैसे करें, आप ये बताइए। 2018 में भी प्रदेश की जनता से आपने 1.5 लाख करोड़ के MOU होने का वादा किया था इन्वेस्टर मीट के नाम पर, वो 1.5 लाख करोड़ रुपया कहाँ है, आज तक धरातल पर उतरा? मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देहरादून में 28 अक्टूबर को बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के शहीदों के घरों से आने वाली मिट्टी के कलश एकत्रित किए जाएंगे। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे और सभी कलश को देहरादून से दिल्ली भेजा जाएगा। उनका कहना है कि 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें उत्तराखंड के कलश भी रखे जाएंगे, एक अमृत वाटिका का निर्माण भी कराया जाएगा। बता दें कि 28 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मिट्टी के
कलश एकत्रित किए जाएंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के शहीदों के घरों से आने वाली मिट्टी के कलश एकत्रित किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे और सभी कलश को देहरादून से दिल्ली भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें उत्तराखंड के कलश भी रखे जाएंगे और एक अमृत वाटिका का निर्माण कराया जाएगा। उत्तराखंड में प्रत्येक गांव से जो शहीद हैं और जितने भी लोगों ने सेना अर्धसेना में काम किया है, उनके आंगन की मिट्टी एकत्र करने का काम हुआ है। गांव-गांव से एकत्र मिट्टी विकासखंड मुख्यालय पर आई, नगरीय जो क्षेत्र हैं उनमें उनके एक केंद्र में एकत्र हुई है और विकासखंडों पर नगरीय क्षेत्र में जहां जहां मिट्टी एकत्र होकर के उसका कलश बना है, वह अब हम प्रदेश मुख्यालय पर उसको लाने का कार्यक्रम बना रहे हैं और उसकी तिथि संभवतः 28 तारीख को है और उसके पश्चात यहाँ से हम लोग उन सभी कलशों को एकत्र करके दिल्ली पहुँचाएंगे और दिल्ली कर्तव्य पथ पर 31 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में हम एक अमृत वन की स्थापना दिल्ली में हो रही है। हल्द्वानी से काशीपुर जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में हरीश रावत घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें काशीपुर के अस्पताल केवीआर में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान सीने में दर्द की शिकायत बताई जा रही है। वहीं हादसे में कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार बाजपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक लोडर वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास में उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में आगे की सीट पर बैठे पूर्व सीएम को जोर से झटका लगा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। देहरादून में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का, बता दें आपको कि इंतजार और ज्यादा बढ़ गया है। विधानसभा में लाए गए क्षैतिज आरक्षण विधेयक पर विचार करने के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं विधानसभा अध्यक्षता ऋतु खंडूरी भूषण ने प्रवर समिति के कार्यकाल को बढ़ाने की पुष्टि की है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि जो राज्य शहीदों की शहादत में बना हो, जो राज्य आंदोलनकारियों के आंदोलन त्याग और तपस्या से बना हो, उस राज्य में आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए आंदोलनकारियों को लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है। प्रवर समिति में सदस्य भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि वो लोग राज्य आंदोलनकारी की भावनाओं के अनुरूप ही काम कर रहे हैं और इसमें कोई त्रुटि ना हो, इसलिए समय लग रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी से अधिक लाभ मिले, इसके लिए प्रवर समिति लगातार प्रयासरत है। जहां तक प्रवर समिति का प्रश्न है तो प्रवर समिति अपना काम कर रही है और कल कोई वैधानिक कटाई इस अधिनियम में न रहे, इसमें थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। कुछ नई चीजें हम लोगों ने इंक्लूड की है उसमें ताकि आंदोलनकारियों को हम अधिक से अधिक लाभ दे सकें। और पहले भी क्योंकि ये वैधानिक कारणों से अटक गया था या हाईकोर्ट में एडवर्स में निर्णय आया, तो उन सब चीजों को दूर करते हुए हम एक फुल प्रूफ अधिनियम बनाना चाहते हैं, जिसके कारण थोड़ा समय लग रहा है। और मेरा ये भी कहना है कि आंदोलनकारियों को विश्वास होना चाहिए, मैं वहाँ पर हूँ और निश्चित तौर पर आंदोलनकारी के नाते मैं उनका प्रतिनिधित्व भी वहाँ पर कर रहा हूँ, तो संदेह के कोई कारण नहीं है। उनको ये समझ में आना चाहिए कि उनके हितों के लिए कहीं तक भी जाना पड़ेगा जाएंगे, थोड़ा सब्र की आवश्यकता। तो उन लोगों को विचार करना चाहिए जिन्होंने जो है उनको जाकर के फूलों के गुलदस्ते दिए हैं। मैं तो तब भी इनसे कहा था, मैंने कहा भाई एक फुल फ्लेज बिल बना करके दिया,
पूरी उसकी वेटिंग थी, हमने उसको जो है केंद्र में भी अटॉर्नी जनरल तक से हमने दिखा करके हमने पूछ लिया, हमने कोई इस तरीके का हम कर सकते हैं नहीं करते, तो उसमें हमने विधिक राय सबसे ली और एक पुख्ता बिल बना कर भी दिया, और उसको अब इन्होंने ऐसा लटका दिया है, और मुझे नहीं लगता है ये लोकसभा के चुनाव तक लटकाए रहेंगे, और लोकसभा के चुनाव के बाद फिर ये कोई कोई बहाना करके हिस्सा बता देंगे। जो राज्य शहीदों की शहादत से बना हो, जो राज्य आंदोलनकारियों के आंदोलन त्याग और तपस्या से बना हो, उस राज्य में आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, इससे ज्यादा दुखद और चिंता की बात और क्या हो सकती है, निराशाजनक बात और क्या हो सकती है। 10% क्षैतिज आरक्षण कोई भीख नहीं आंदोलनकारियों के लिए, वो उनका हक है, उनका अधिकार है, और पहले से 10% क्षैतिज आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को मिलता था। कांग्रेस की सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया था। राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी देने का काम हो, चाहे आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का काम हो, चाहे आंदोलनकारियों को पेंशन देने का काम हो, वो हमेशा कांग्रेस की सरकार ने किया। देहरादून में इस समय स्मार्ट सिटी का कार्य लगातार जारी है। स्मार्ट सिटी के अधूरे पड़े काम लोगों के लिए जाम का कारण बन रहे हैं। हरिद्वार रोड और चक्राता रोड पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम के आवागमन के में दिक्कत हो रही है। वहीं जिलाधिकारी देहरादून सोनिका मीणा ने बताया कि नवंबर महीने के पहले हफ्ते तक सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। वहीं प्रशासन की लगातार कोशिश है कि स्मार्ट सिटी देहरादून में हो रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हम लोग इस मोर और लेस हम अक्टूबर एंड तक या नवंबर तक हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे जो हमारे मेन दो रोड के काम जो बचे हुए हरिद्वार और चक्राता रोड, बाकी रोड तो ऑलमोस्ट हमारे फिनिशिंग स्टेज में, इन दो रोड का काम भी हम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। रुद्रपुर रामपुरा के एक युवक ने पुलिस की प्रार्थना से तंग आकर फांसी लगाकर जान दी। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि रुद्रपुर पुलिस रात को युवक अनिल को उठाकर चौकी ले गई थी, जहां पुलिस कर्मियों का दौरा अनिल कुमार के साथ मारपीट फर्जी मुकदमे में लिखने को लेकर टॉर्चर किया गया। बाद में रामपुरा चौकी के पुलिस ने दबाव बनाकर 1500 रुपए लिए और रुपए लेने के बाद उसके भाई के साथ अपने घर भेज दिया, जिसके बाद युवक ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप ये भी है कि पुलिस ने मृतक की भाभी के साथ मारपीट कर गाली गलौज की, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। वहीं एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश और आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर किया। इसी बीच पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे मेयर रामपाल सिंह रुद्रपुर विधायक ने इस घटना की में काफी आक्रोश और दुख जताया। रामपुरे में एक अनिल नाम के व्यक्ति ने फांसी लगा ली है, तो परिवार के लोगों से हम मिले, उसके भाई हैं, सर्वेश है और एक का नाम दिनेश है। उन लोगों ने जिस तरह से बताया कि एक चोरी का मोबाइल होगा कोई, जो उसके भाई ने खरीद लिया था और उसे पता नहीं था कि वह चोरी का है। जिसका मोबाइल चोरी हुआ था उसको पता लग गया कि मोबाइल उसके पास है, वह उससे मोबाइल मांगने गया। उनने कहा मैं ऐसे मोबाइल नहीं दूंगा क्योंकि मैंने खरीदा है, चलो चौकी चल रहे हैं, चौकी में पुलिस वाले कहेंगे, उनके सामने मैं मोबाइल दे दूंगा। उसको रामपुरा पुलिस ने बैठा दिया था, दो लड़के थे और इनका परिवार वालों का कहना है कि अनिल की पिटाई बहुत की गई रामपुरा चौकी के अंदर। तो अनिल का जो सगा भाई है सर्वेश, वो अपने भाई को छुड़वाने के लिए 1500 रुपए देकर आया। अब कोई कह रहा कि चालान के 1500 रुपए, कोई कह रहा रिश्वत के 1500 है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन चलो वो छूट गया, रात को उनने सुसाइड कर लिया और सुबह दरोगा जी आ गए, कहा अनिल पेश करो उसको, रात भर के लिए छुड़वा के लाए थे। तो उनने कहा जी वो तो डेथ हो गई, मर गया, वो तो बेचारा आत्महत्या कर ली। विजयदशमी का पर्व चंपावत जिले के
टनकपुर क्षेत्र में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान नेपाल से भी लोग रावण का पुतला दहन देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। विजयदशमी का मुख्य कार्यक्रम रामलीला मैदान में मनाया गया, वहीं जिसमें वृंदावन के कलाकारों ने मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण वध की लीला का सुंदर मंचन कर खूब वाहवाही लूटी। वहीं इसके बाद रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के विशालकाय पुतलों का दहन किया गया। इसके साथ ही अलग से पॉलिथीन के पुतले का भी दहन कर पॉलिथीन मुक्त भारत का संदेश दिया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष विपिन वर्मा, सीईओ अविनाश वर्मा, कमेटी अध्यक्ष संजय पांडे ने संयुक्त रूप से प्रभु राम की आरती उतार कर किया। विकास नगर के उदपाटला और कुलोरी दो गांव अपनी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, जहां दशहरे के लोग उपायिता पर्व को रूप में मनाया जाता है। और बता दें कि दोनों गांव के लोगों के बीच गांगली युद्ध किया जाता है। खास बात यह है कि ये युद्ध दुश्मनी का ना होकर आपसी भाईचारे और गलतियों पर पश्चाताप के लिए किया जाता है। माना जाता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व गांव की दो कन्याएं दशहरे के दिन कुएं पर पानी लेने गई थी, जिसमें पानी भरते हुए एक कन्या का पांव फिसलने से कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद दूसरी कन्या रोते हुए घर पहुंची। कन्या ने पूरा मामला परिजनों और गांव के लोगों को बताया, लेकिन ग्रामीणों ने कन्या पर ही दूसरी कन्या की मौत का इल्जाम लगाया, जिससे कन्या शुभ होकर उसी कुएं पर गई और कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, जिस कारण ग्रामीणों को दोनों कन्याओं का पाप लगा, जिससे याद और पश्चाताप में दोनों गांव लोगों दोनों कन्याओं की घास फूस की प्रतिमा बनाकर कुएं में विसर्जित करते हैं और फिर गांगली और डठलों से युद्ध करते हैं और फिर एक दूसरे को गले मिलकर पायता पर्व की बधाई देते हैं। जैसे हमारे यहाँ अष्टमी के दिन वो सब घास भूस की कन्याएं बनाई जाती है, प्रतिमाएं बनाई जाती है, और बहुत सालों पहले की किदवंती है, बल्कि कन्याएं जो समय पानी के स्रोत नहीं होते थे तो कुएं में पानी भरने के लिए आई थी और एक कन्या डूब गई दशहरे के दिन, और उसी के उपलक्ष्य में हम दूसरी कन्या उसे बचाने के लिए गई और वो भी डूब गई। हम अपने आप को श्रापित मानते हैं कि हमने त्योहार के दिन हमने उन्हें पानी के लिए जबरदस्ती भेजा, और इसीलिए हम ये गागली का यूज करते हैं ताकि एक दूसरे को मारते हैं, हम खुद को उसका सजा दे रहे हैं। एक्चुअली कई दशकों से चला रहा है ये, एक्चुअली दो परिवारों की एक लड़कियां थी, दो जो है रानी मुनि नाम से, तो वो आपस में काफी घनिष्ठ प्रेम था उनका, तो यहाँ पे कुएं में पानी भरने आई थी, वो जो है उनमें से एक जो है उसमें पैर फिसल के उसमें उसकी डूबी उसमें, तो जब वो घर आई तो उसको इल्जाम लगाया गया कि जो है इसकी वजह से ये जो है इसमें डूब गई जो है, तो उसका वो डर से आके वो भी मतलब जो है उस कुएं में जाके उसमें आत्महत्या कर ली उसने। अल्मोड़ा में दशहरे का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। अल्मोड़ा की 8 जगहों में रामलीला का मंचन किया गया, जिसको देखने के लिए जनपद के अलावा देश और विदेश के लोग पहुंचे। वहीं रावण के पुतलों को घुमाकर स्थानीय जूलॉजी फील्ड में दहन किया गया, जिसमें सांसद अजय टमटा, स्थानीय विधायक मनोज तिवारी के साथ दशहरा समिति के लोग शामिल रहे। अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक नगरी है, अपने आप में ऐतिहासिक नगरी भी है, और अल्मोड़ा का जो दशहरे का महोत्सव है, मैं समझता हूँ कि हिमाचल की कल्लू मनाली के बाद इधर ही का इसका आयोजन किया गया भव्य और दिव्य। रामलीलाएं सबसे पुरानी है, ऐतिहासिक रामलीलाएं, रामलीलाएं यही नहीं होती हैं, हमारी रामलीलाओं के लिए पूरे प्रदेश में भी टीमें जाती हैं, विदेश में भी हमारी रामलीलाएं गई हैं, और यहाँ एक विशेष प्रकार का जो कल्चर है, जो रावण परिवार के जितने भी लोग रामचंद्र जी के द्वारा संहार किए गए उन सबके पुतले निर्माण का काम भी होता है, दर्जनों पुतले बनते हैं, उसमें भी प्रतियोगिताएं होती हैं, और ये अपने आप में मैंने कहीं पूरे देश भर के अंदर देखा नहीं, इतना उसको रोचक बनाया जाता है, कार्यक्रम होते हैं।
रुड़की में भी इस बार की तरह नेहरू स्टेडियम में पिछली बार की तरह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं दूसरी ओर पुतला दहन के दौरान शहर के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। उजाले की ओर बुराई से अच्छाई की ओर का त्यौहार दशहरा सभी ने धूमधाम से मनाया और ऐतिहासिक मैदान नेहरू स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। करीब 50,000 की संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे और सभी ने संकल्प लिया कि हम लोग अपनी जन्मभूमि से प्रेम करेंगे, अपने भारत माता से प्यार करेंगे और देश के प्रति समर्पित रहेंगे, संकल्पित रहेंगे। राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और जनवरी में जो उसका शिलान्यास होने वाला है। मैं कहता हूँ कि जो वादा किया था कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, भगवान राम को उनका मंदिर मिला और हम सब लोगों ने संकल्प किया था वो पूरा हुआ। और मैं सोचता हूँ कि सभी लोग इसके साक्षी बने और वहाँ चले राम मंदिर के निर्माण में, सभी लोग इसके उद्घाटन के साक्षी बने। पूरे काल को भी जीता था कि लेकिन सोच तेरे पाप कर्मों ने। मक्का मदीना पैदल नंगे पांव जाने वाले मोहम्मद सलीम मस्तान मियां दो दिन पहले सितारगंज पहुंचे थे। दरअसल सलीम मस्तान ने मक्का मदीना का सफर 8,500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर पैदल नंगे पांव किया। वहीं उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने उन्हें वीजा नहीं दिया, जिसकी वजह से पैदल हज यात्रा करने वाले शिहाब चतुर को भी पाकिस्तान ने कई महीने से बाद उन्हें वीजा नहीं मिला था। ऐसे में मस्तान मियां एजेंसी कई बार जाकर आ गए पहले, इसलिए मुंबई से ईरान फ्लाइट से जाएंगे और ईरान के बाद मक्का मदीना पहुंचेंगे, जहां वो देश के लिए और देश की तरक्की के लिए। सितारगंज से फिर शिक्षा रामपुर भटपड़ा शरीफ होते हुए मुरादाबाद कलिया शरीफ पहुंचेंगे, कलिया शरीफ से दिल्ली, दिल्ली से फिर अजमेर शरीफ होते हुए बॉम्बे, बॉम्बे से मतलब हिंदुस्तान से फिर बॉम्बे मतलब पहुंचेंगे ईरान, ईरान से फिर इराक, फिर सऊदी अरब मां मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। तो हमारा जब से हमने इस लाइन में आया, जब से आरजू थी मौला हमें एक बार शहर मदीना दिखा दे, बड़े तमन्ना है। दुनिया की सारी दौलत बेकार है, हमारा ईमान है सब कुछ है, ईमान नहीं कुछ नहीं। हमारी दिल की ख्वाहिश थी मौला एक बार दीदार करा दे, सरकार को गुम्बद खतरा दिखा दे। देहरादून में बन्नू बिरादरी की तरफ से दशहरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर भगवान श्री राम और हनुमान की पूजा अर्चना के बाद रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्षों से हम रावण का दहन करते आ रहे हैं, रावण अधर्म और बुराई का प्रतीक था, इसलिए उसे हर वर्ष जलना होता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस अवसर पर हमें समाज में जहां भी बुराई नजर आती है उसे दूर करने का भी संदेश दिया जाता है और अच्छा इंसान बनकर हम अच्छे समाज और देश के निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयदशमी का ये पर्व हमारे समाज के लिए एक सीख और सामाजिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर दोहरी नीति और
अतिक्रम दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में ही अधिक अवैध निर्माण हुए हैं और ये सभी निर्माण अधिकांश बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ही किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण को तोड़ने को लेकर सरकार जो नीति अपना रही है वो ठीक नहीं, इसलिए प्रदेश सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। दशहरे की सारे राज्यवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हमें अपने मन के अंदर का घृणा द्वेष के रावण को बाहर निकालना, उसको नष्ट करना आवश्यक है। शांति और सौहार्द का भारत बने, इसकी मैं कामना करता हूं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है और उत्तराखंड जिसका निर्माण का एक कारक, बड़ा कारक रोजगार था। इस तरीके से भाजपा की सरकार में सरकारी रिक्त पड़े हुए, लंबे समय से रिक्त पड़े हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।